रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो जी आप? कैसे हाल चाल है? आप सब अपने घरों में अपनों अमान के साथ रहेंगे, हमारी दुआ आपके साथ है जी। आज कुछ स्पेशल पकाने वाले हैं, गोश्त से भी ज़्यादा, मच्छी से भी ज़्यादा, सारे गोश्तों से, सारे अंडों से, सबसे भी जायका दार ये हमारी। रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जी आप? सब कुछ ठीक ठाक है? आपके घरों में अमन अमान के साथ रहेंगे, हमारी दुआ आपके साथ है जी। ये आज हम जो बनाने वाले हैं इतना मुफीद है, इतना इसमें फ़ायदा है कि कुछ बोलिए मत, क्योंकि मैंने खुद इसको प्रैक्टिकल किया है, खुद के ऊपर डाला है। ठीक है, जो इंसान कमज़ोर है, बॉडी से कमज़ोर है, दिमाग से कमज़ोर है, डिप्रेशन से कम है, कमज़ोर है, जो भी उसके ऊपर ट्रेजेडी हो जाती है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चल जाता है, तो अल्लाह मियाँ की तरफ से ये हमारे लिए तोहफा है इस भाजी का। ये भाजी जो है ड्रमस्टिक जो आती है, मूंगे की भाजी बोलते हैं, मूंगे की फल्ली बोलते हैं उर्दू में, तो ड्रमस्टिक, तो तमिल में बोलते हैं मुरंगाई, उसकी ये भाजी है। बहुत मामूली है मगर इसका बहुत बहुत फ़ायदा है। 5 गिलास या 2 गिलास दूध पीने का एक बार अगर ये भाजी खाए तो उसमें इतना ज़्यादा ताकत होती है कि कुछ भी बोलिए मत। फर्स्ट आप ट्राई कीजिए, और मैंने खुद भी ट्राई किया है, अपने आप के ऊपर डाला है, और मेरे जो भी हैं, जो भी रिलेशन हैं, उनको भी दिया है बना के। तो इसमें हमें इसमें से निकाल देना चाहिए इसे, जो पत्ता है सिर्फ हम पत्ता खाएंगे, ठीक है, वो जो काढ़ी रहते हैं वो सेपरेट कर देंगे। तो इसके लिए मैंने मसाला लिया है, यहाँ पर घर का ही मसाला है, ये देखें, ये जो घर का मसाला है। यहाँ पर प्याज हमने काटी हुई है, ठीक है, और चिली जो ग्रीन चिली बोलते हैं, हरा मिर्च है वो है, नमक है, जीरा है, उसके बाद हल्दी है, मिर्च है, लाल मिर्च बोलते हैं वो है, थोड़ा गरम मसाला भी डालें क्योंकि टेस्ट होना है इसलिए, और धनिया का पाउडर वो भी है, कोरिएंडर पाउडर बोलते हैं, ठीक है। ये है कि अदरक लहसुन का पेस्ट है, आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो निकाल सकते हैं, थोड़ा टेस्ट भी होना है और सेहत के लिए भी अच्छा होना है। और ये हमारा प्यारा प्यारा लहसुन है, वो लहसुन से बहुत कुछ फ़ायदा होगा, जैसे कि पेट का कैंसर, जो भी कैंसर रहता है उसे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो चलिए जी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हमने मिर्चों के इतना ले लिया है, और उसको भाजी को भी सेपरेट कर देंगे, और घर में बना हुआ मसाला मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है, ये मसाला भी हम डालेंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया है सारे मसाले, ठीक है, और ये कुटनी में हम डाल के इसको मसाला बनाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये यहाँ पर हमने ले लिया है, ये लहसुन हम डाल देंगे, ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सिर्फ लहसुन हम कूटेंगे, दरदरा कूटेंगे, उसके बाद हम इसमें मिक्सिंग कर देंगे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये लहसुन हमने यहाँ पर ले लिया है, ये देखिए लहसुन ले लिया है, और ये हम कूटनी हम ले लेंगे, कूटेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दरदरा ही कूटेंगे। और ये भाजी को हम सेपरेट कर लेते हैं काड़ियों से, ठीक है, और विनीगर में डाल के धोना है उस भाजी को,
और इसको क्लीन करिए हाफ एन आवर डिप करके, पानी में डिप करके विनीगर के साथ धोना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक गिलास हमने यहाँ पर पानी भी ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस भाजी को हमने अलग कर दिया है, ये देखिए काड़ियों से अलग कर दिया है। ये यहाँ पर काड़ियाँ हैं, वो काड़ियाँ हमने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। इस काड़ियों को हम साइड में रख देते हैं और बनाना स्टार्ट कर देते हैं इन सारों मसालों से, ठीक है। ये सारे मसाले यहाँ पर हैं, तेल है, हरा सब्ज मिर्च है, नमक है, जीरा है, हल्दी है, मिर्च है, कोरिएंडर पाउडर है, ठीक है, कोरिएंडर पाउडर है। उसके बाद गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, लहसुन है और प्याज है, और साथ ही साथ हमारा मसाला भी है, ठीक है। ये मसाला हमने घर में बनाया हुआ है, टेस्टी टेस्टी मज़े मज़े का है। और चलिए बिस्मिल्लाह करके हम बना देते हैं। रहमान रहीम, ये देखिए जी, ये सारे मसाले हम भाजी में डालेंगे। ये हमारी हांडी गर्म हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी भाजी है। चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम लेते हैं तेल, ऑयल, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तेल को अच्छी तरह से गरम करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा चावल भी पक रहा है। अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं तेल को। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। गर्म होने देते हैं और पहले हम डालेंगे ये हमारा लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अव्वल और आखिर दुरूद दे शरीफ पढ़ लिया करें। जब भी आप खाना पकाते हो तो पहले आप दुरूद दे शरीफ पढ़ लिया करें। अगर खाने में कुछ खराबी रही तो वो खाना भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत लजीज हो जाएगा। आपके बराबरी करने वाला कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह पाक का नाम लेते हैं ना, तो हर एक जिन्नत शयातीन कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो चलिए जी, हम ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। थोड़ा आंच को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और पके तक वेट करते हैं। ब्राउनिश का वेट करना है, ब्राउनिश तक अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब हम डालेंगे कच्ची प्याज के साथ ये सारे मसाले हम डाल देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये सारे मसाले हम डाल दिए हैं इसमें, और हल्का हल्का सा इसको हिला देते हैं। ये हो गया, अच्छी तरह से पक रहा है। ऐसी ही आवाज आना चाहिए हांडी से। साथ ही साथ हमारा एक स्पून मसाला भी वो भी ऐड कर देते हैं।
अच्छी तरह से हिला देते हैं इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बरकत है, क्या इसकी खुशबू है, अल्लाह आप जो ऐसा पकाएंगे ना तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ आप पढ़ लिया करें और थूक दिया करें, ठीक है, और बिस्मिल्लाह हम करके भाजी भी, ये भाजी हमारी है वो डाल देंगे। इसी तरह सारी भाजी हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये ड्रम सूप की भाजी, सारी भाजी इसमें हमने डाल दिया है, ठीक है। थोड़ा सा हम पानी ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हाफ ग्लास है, थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। इसके बाद हम इसको लिड, ये जो लिड है वो कवर कर देंगे। यहाँ पर है हमारा लिड, उसके ऊपर हम कवर कर देंगे हाफ एन आवर के लिए, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह से हमारी भाजी हाफ एन आवर तक पकना है और चावल के साथ साथ पक रहे हैं, ये देखें, और हाफ एन आवर तक ये भाजी को पकना है। इस भाजी को जो भी खाएगा, मैं बोलती हूँ इंशाल्लाह उसको रूहानी ताकत भी मिलेगी और गोश्त मछली अंडे से भी बहुत ज़्यादा मुफीद है इसमें, खाइए आप, आपको फ़ायदा हुआ तो मुझे दुआ में याद रखिए। ये हमारी भाजी पकी हुई है, अच्छी तरह से पकी हुई है, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसी तरह से पकाइए और मज़े मज़े से फैमिली वालों के साथ खाइए। हो सके तो मुझे दुआ में याद कर दीजिए दुनिया और आखिर।